हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेबीज़ का आईक्यू लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसा फूड है, कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बेबीज़ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके बेबीज़ का आईक्यू लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, उनका ब्रेन डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू विजिटर्स हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जो फ्रेंड्स आपके प्रेग्नेंट हैं और जिनको आप जानते हैं उनसे ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉम्स किड्स केयर यूट्यूब चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और हमारा लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बेबीज़ का जो नर्व सेल, नर्व टिश्यू ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कंसीव करते हो तो प्रेगनेंसी का 14 डेज के बाद ही बेबीज़ का न्यूरन बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो न्यूरन है ये बेबी का ब्रेन डेवलप करता है। और कुछ ऐसा फूड है जिससे आपके बेबीज़ का ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसका आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीटस है, जो आपका अनबर्न बेबी है, वो सुनना स्टार्ट कर देता है, वो लर्निंग एबिलिटी उसमें डेवलप हो चुका होता है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट तो मैं वही बोलूँगी, एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, तो आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा। आप एक्सरसाइज करने से क्या होगा, और आप हाइड्रेटेड रहिए, अच्छे से पानी पिएं, जितना पानी पीना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम उतना आप पानी पिएं। पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो आप अगर हाइड्रेटेड रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका हार्ट एक्टिव रहेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा, तो आपका जो बेबी है, फीटस है, वो भी हेल्दी रहेगा, उसका भी हार्ट एक्टिव रहेगा, हार्ट अच्छे से प्रॉपरली बीट करेगा, उसको ऑक्सीजन पहुंचेगा, और उसका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो अब बात कर लेते हैं बेबीज का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये दोनों चाहिए बेबीज़ का डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो अब बात करते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और DHA, ये है किसमें। ये जो DHA है, इसका ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे, बहुत से प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं ये जो DHA है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये मिलता किसमें है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बहुत ही ज़रूरी है बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो जो फिश, मेनली जो फिश ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वॉलनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब में होता है भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको खाना है, इससे बेबी का ब्रेन डेवलप होगा, बेबी का जो IQ है ये इंक्रीज होगा, बेबी का इंटेलिजेंसी बढ़ेगा, बेबी इंटेलिजेंट होगा। तो अब बात करते हैं कि इसको छोड़ के और क्या क्या है जिसको खाने से बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, बेबी इंटेलिजेंट होता है। तो एवोकाडो फर्स्ट फूड है, एवोकाडो। सेकेंड फ्लैक्सीड, आप फ्लैक्सीड हर दिन 1 स्पून आप भिगो के उसको खा सकते हैं। उसके बाद फिश, कुछ फिश है, फिश में बहुत ही मात्रा में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, लाइक सैलमन, टूना फिश, ये सब आप खा सकते हैं। ऑयस्टर में भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी इसको अवॉइड ही करिए, क्योंकि जो ऑयस्टर है अच्छे से अगर बॉयल नहीं हुआ, और फिश भी अगर आप खा रहे हैं अच्छे से कुक करके खाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा इन्फेक्शन होने का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, इसीलिए जो भी खा रहे हैं कम क्वांटिटी में खाइए और अच्छे से कुक करके खाइए। और जो फिश में मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरी लेवल कम है, वही फिश आप कंज्यूम करिए। इसमें ओमेगा 3, जो टूना फिश है, सैलमन है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बेबी का ब्रेन डेवलप करता है, बेबी को इंटेलिजेंट बनाता है। और इसको छोड़ के आप और क्या खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल और साग खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, उसके बाद पालक ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है बेबी का ब्रेन के लिए, इसको आपको खाना है। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी आप लिमिट में खाइए, ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि बॉडी को गर्म कराता है, इसलिए लिमिट में खाइए। आप बीट रूट ले सकते हैं, बीट रूट का जूस ले सकते हैं। उसके बाद आप सोयाबीन ले सकते हैं, ये भी बहुत ही हेल्दी होता है माँ के लिए भी और बेबी के लिए। उसके बाद वॉलनट ये ब्रेन को डेवलप करता है, बेबी का ब्रेन को डेवलप करता है, इसलिए आप वॉलनट जैसे भी करके आपके डाइट में इंक्लूड करिए। इसको छोड़ के फीटल डेवलपमेंट के लिए आपको फॉलिक एसिड और कॉलिन, ये दोनों भी चाहिए।
ये जो कोलिन है ये मेनली होता है दूध में होता है, अंडा में होता है और नट्स में होता है। तो नट्स तो आप लिमिट में लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है। मिल्क आप आराम से ले सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कुछ सप्लीमेंट्स जैसे मदर हल्लिक्स ये भी मिला सकते हैं, उसमें भी DHA होता है। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही हॉर्लिक्स के तरफ से, ना ही किसी के तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस आपसे बता रही हूँ, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था। आप मदर हल्लिक्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसका टेस्ट तो मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन वो अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप अंडा खाइए, लेकिन अंडा को प्रॉपरली बॉयल करके खाइए, कच्चा अंडा तो बिल्कुल भी मत खाइए, जर्म का चांसेस रहता है, इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। इसको छोड़ के फॉलिक, आप अगर रेगुलर आप सोयाबीन हुआ या पालक ये सब खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है, ज़्यादा टाइम उल्टी होता है, एसिडिटी होता है, इसीलिए पर डे जितना सर्विंग आपको चाहिए उतना खाने नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं। तो फॉलिक और ये जो DHA, ये DHA और फॉलिक एसिड का कंबाइन होकर एक मेडिसिन आता है। ये मैंने पूरा थ्रू आउट 9 मंथ्स मैंने ये खाया था, आपको भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए होंगे। रेड कलर का आता है, इतना बड़ा वाला, इसका टेस्ट तो बहुत ही बेकार होता है, लेकिन ये मतलब हेल्थ में बहुत अच्छा होता है, खास करके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो मैं तो आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगी, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब कंसीव कर रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उससे पहले से ही आप ये जो फॉलिक एसिड है, ये वाला मेडिसिन DHA, ये वाला आप जैसे भी करके आप इसको खाइए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं इसको लेने के लिए, और पूरा 9 मंथ्स इसको कंटिन्यू करिए, ये फॉलिक एसिड और DHA वाला मेडिसिन। ये बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। अगर चाहते हैं इंटेलिजेंट बेबी, स्मार्ट बेबी, तो मैंने जो जो बताया उसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। और उसके बाद जो मैंने मेडिसिन बताया, इसको भी आपके डॉक्टर तो ऑलरेडी आपको लिखे ही होंगे, इसको स्किप मत करिए कि इसका टेस्ट खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोच के इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए। आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो वही था। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और मुझे लाइक, मेरे ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम्स किड्स केयर। और हाँ, मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा।